फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे कुर्ती के बारे में बताऊंगी, चेस्ट का नाप कितना है, बॉडी के मेजरमेंट लेके हम उसमें कितना बढ़ाते हैं, कमर में कितना बढ़ाते हैं या लंबाई में कितना लेते हैं, और आर्मोल कितना, चेस्ट के हिसाब से हमें आर्मोल कितना लेना है, या हमें जो आर्मोल हम लेते हैं उसके बाद हम स्लीव्स का आर्मोल कितना रखना है, ये पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो आप पूरा देख लो ताकि आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा। अभी जो भी समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाऊंगी। अब देखिए, जब भी हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हमें कपड़ा कितना चाहिए, तो हमें जैसे घर पे हम सिलते हैं तो हमें 2 मीटर कपड़े में हमारी कुर्ती जो है वो बन जाती है, जैसे नॉर्मल कुर्ती होती है। जिसकी लंबाई ज़्यादा है या हेल्थ में अच्छे हैं तो उनके लिए 2.25 या 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, लेकिन जो नॉर्मल रहता है उनके लिए 2 मीटर कपड़े में हमारी कुर्ती जो है वो बन जाती है। अब देखिए लंबाई कितनी है, पहले आपको लंबाई नापनी है। तो कुर्ती की आपको पहले लंबाई नापनी है, जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी कुर्ती की लंबाई में आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये शोल्डर जो है शोल्डर को नापते हैं। जितना हमारा शोल्डर आता है, शोल्डर का हाफ हम कर लेते हैं। कॉलर की कुर्ती होती है तो शोल्डर हमारा ज़्यादा आता है, बिन कॉलर की कुर्ती होती है यानी कि उसको कॉलर नेक सिंपल नेक होता है तो उसके लिए गला शोल्डर जो है वो कॉलर नेक से कम आता है। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेते हैं। जब हम कुर्ती के ऊपर नाप लेते हैं तो कुर्ती के ऊपर नाप लेते हैं, जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक आता है नाप उतना हम नाप लेते हैं। जैसे इसका डबल करते हैं, उसका 1/4 निकालते हैं। यहाँ पे हम कपड़े को जैसे एक बार फोल्ड करते हैं फिर से दोबारा फोल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम कुर्ती का जो चेस्ट का नाप है वो लेते हैं। जितना हमारा नाप आता है उसका हाफ हम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे चेस्ट का 1/4 हमारा निकल जाता है। जितना हमारा चेस्ट का 1/4 आता है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद ये मैं कुर्ती के ऊपर का बता रही हूँ। यहाँ पे हम कमर का जितना नाप आता है उतना ही आपको लेना है। कमर का जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने कमर का नाप नापा, उसके बाद उसका डबल किया, उसका 1/4 निकालना है और उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। सीट घेर का जो नाप है, यहाँ पे हमारा जो कट आता है कट के ऊपर हम सीट घेर का नाप लेते हैं। कट के ऊपर सीट घेर का नाप लेते हैं, जितना हमारा सीट घेर का नाप आता है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो जब हम ये जो 2 इंच का मार्जिन लेते हैं चेस्ट में और कमर में, तो यहाँ पे हमारा ये फिटिंग की सिलाई आती है और एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है। सीट घेर में हम क्यों नहीं बढ़ाते, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 ही इंच लेते हैं, क्योंकि हमारा अंदर के साइड में ये फोल्ड हो जाता है, यहाँ पे हमारे कट आ जाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं 1 ही इंच लेते हैं। घेरे में भी ऐसा है, जितना हमारा घेरा होगा उतना ही आपको घेरा है उतना ही लेना है, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। अब देखिए बॉडी के ऊपर, अभी ये कुर्ती के ऊपर मैंने आपको समझाया है, अभी बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं तो कैसा लेते हैं। जैसे हम बॉडी चेस्ट का नाप लेते हैं, लंबाई जितनी है उतनी रखनी है, उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। शोल्डर जो है वो शोल्डर को नापना है, जितना हमारा शोल्डर आता है उतना ही आपको रखना है। अभी बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, जैसे पूरा चेस्ट का नाप लेने के बाद जैसे हमारा 30 इंच नाप आता है, चेस्ट का नाप है, बॉडी के ऊपर नाप लेने के बाद चेस्ट का नाप आया हमारा 30 इंच नाप आता है, तो उसमें आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, यानी कि 34 इंच लेना है। 34 का 1/4 आपको निकालना है और उसमें आपको सिलाई मार्जिन 2 इंच रखना है। बहुत सिंपल तरीका है ये, जैसे बॉडी के ऊपर समझ में नहीं आता है लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ। जैसे जब भी हम बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नाप आता है 30 चेस्ट का, कुर्ती हम कटिंग कर रहे हैं, चेस्ट का नाप लिया तो हमारा वो नाप आता है बॉडी के ऊपर 30 इंच, उसमें आपको 4 इंच प्लस करना है, लूजिंग उसमें आपको 4 इंच रखना है, यानी कि वो 34 इंच होता है। 34 का 1/4 आपको निकालना है, 1/4 वो निकलता है वहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई आती है 1/4 पे, और वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 1/4 पे आपको मार्किंग आएगा वो आपकी फिटिंग की सिलाई आएगी। उसके बाद जैसे चेस्ट में 4 इंच बढ़ाना है, कमर में आपको 2 इंच लेना है। जितना हमारा कमर होगा यानी कि हमारा 24 इंच कमर है, 24 इंच कमर है तो आपको 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। जैसे बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं 24 इंच कमर आया, उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 26 इंच आता है, 26 का 1/4 आपको निकालना है, 1/4 लेके उसको आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और सीट घेर का जो नाप आता है, जितना हमारा सीट घेर आता है उसमें आपको जितना आपका
सीट गियर का नाप आता है उतना ही आपको रखना है। थोड़ा सा नाप जो है वो बॉडी के ऊपर लेते हैं तो थोड़ा सा ढीला रखना है, और उसके बाद आपको सीट गियर का नाप जो है वो लेना है और उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कुर्ती के ऊपर नाप लेके कितना बढ़ाना है और बॉडी के ऊपर नाप लेके आपको क्लोजिंग कितना रखना है ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने चेस्ट के हिसाब से क्रॉस और आर्मोल लिया है। अब जैसे चेस्ट का नाप होता है, ये हमारा चेस्ट का नाप होता है 30 इंच हमारा चेस्ट का नाप आता है, तो यहाँ पे हमारा जो क्रॉस आता है हमारा 6.5 इंच आता है। 6.5 इंच क्रॉस आता है तो ये आर्मोल जो हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, तो स्लीव्स का जैसे चेस्ट का यहाँ पे हमारा 6.5 इंच पे आया, तो 6.5 इंच पे एक मार्किंग करके उसके बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो हमारी सिलाई मार्जिन आएगी। ये हमारा 7.5 इंच आता है तो ये हमारा स्लीव्स का आता है। स्लीव्स को हम क्रॉस में नापेंगे तो 7.5 इंच लेना है, उसके आगे आपको 2 इंच रखना है। 30 चेस्ट के लिए, 32 चेस्ट के लिए हमें 7.5 इंच रखना है। यहाँ से यहाँ तक क्रॉस जो है वो 7.5 इंच रखना है, उसके आगे 2 इंच लेना है। और जैसे स्लीव जो है स्लीव्स का भी क्रॉस आपको 8 इंच रखना है, उसके आगे आपको 2 इंच रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। 34 चेस्ट के लिए आपको 7 इंच में ये कुर्ती का क्रॉस आएगा और स्लीव्स का आएगा आपका 8.5 इंच। 36 चेस्ट के लिए 7.25 इंच पे आपको कुर्ती का क्रॉस आएगा और स्लीव्स का आएगा आपका 9 इंच पे। 38 चेस्ट के लिए 7.5 इंच पे आपको क्रॉस आएगा कुर्ती का और 9.5 इंच पे आएगा आपका स्लीव्स का, इसके आगे 2-2 इंच आपको सिलाई मार्जिन रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। 40 चेस्ट के लिए आप 7.5 इंच आपको क्रॉस लेना है और उसके बाद आपको 10 इंच पे स्लीव्स का क्रॉस लेना है, उसके आगे आपको 2 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कुर्ती के ऊपर नाप लेके वो भी बताया है, चेस्ट में कितना बढ़ाना है या कमर में कितना बढ़ाना है, बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं तो कैसे और कितना लेना है, उसके बाद आपको कुर्ती के ऊपर नाप लेके भी उसके कैसे कटिंग करनी है ये भी मैंने आपको बताया है, और चेस्ट के हिसाब से ये चार्ट भी मैंने आपको बताया है कि चेस्ट के हिसाब से हमें कितना और कैसे रखना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कुर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाऊंगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।